हे गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। कुछ दिन पहले मैं ये हीगा की HX509 का रिव्यू शेयर किया था, लेकिन उस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट जो मेंशन करना चाहिए था लेकिन उसको नहीं किया था। इस हीगा के बैट के साथ मेरे को कुछ प्रॉब्लम देखने को मिला, जो कि टॉन की दोनों बैट में नहीं था। स्पेशली इसका हैंडल में कुछ इशू था, सो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह हीगा की हैंडल फिनिशिंग काफ़ी अच्छा से नहीं किया गया है, आप देख सकते हैं। ये दोनों जो ब्लैक कलर में दिख रहा है, रबर 3 स्ट्रिप का रबर होता है, लेकिन ये बीच में नहीं है। जिसके वजह से इसका शॉक ऑब्जर्वेशन, जो शॉक को ऑब्जर्व करने का ताकत इसमें कम जाता है। दिखाता हूँ मेरा टॉन के दोनों बैट में काफ़ी फिनिशिंग अच्छी तरह से दिया गया है। पीछे से देख सकते हो, इसमें भी इसमें सिंगापुर केन हैंडल यूज किया गया है और फिनिशिंग हैंडल का काफ़ी अच्छी तरह से किया गया है। सिर्फ इतना प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। और दिखाता हूँ, क्रैक आना शुरू हो गया है। आई डोंट नो आपको विजिबल है कि नहीं, पीछे से थोड़ा क्रैक आ गया है। फ्लैश लाइट ऑन करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, यही का कि HX509 इसमें थोड़ा थोड़ा क्रैक आ चुका है। मैं सिर्फ टेनिस बॉल के साथ खेल रहा था, मेरे पास अभी कोई भी लेदर बॉल नहीं है, लेदर बॉल से भी खेला नहीं मैं। ये यहाँ पर आपको उतना अच्छा से विजिबल नहीं आ रहा है, लेकिन क्रैक तो थोड़ा दिख रहा है। प्लेइंग के वक्त फील नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं टेनिस के बॉल के साथ खेल रहा हूँ। अगर इसको आप लेदर के बॉल के साथ खेलोगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा क्रैक डेवलप होगा। यहाँ पर मैं दिख पा रहा हूँ नेकेड आई के साथ, लेकिन मेरा कैमरा उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इसलिए कैप्चर नहीं कर पा रहा है। थोड़ा थोड़ा ग्लू अच्छी तरह से दिया नहीं गया है, जिसके वजह से क्रैक थोड़ा डेवलप हो गया है। ये थोड़ा धीरे धीरे दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है। वेट ए मिनट, अच्छे से फोकस कर नहीं पा रहा है। यहाँ पर तो ये लेदर बॉल के लिए है कि नहीं पता नहीं है, सिर्फ मेरे ये बैट में प्रॉब्लम देखने को मिला है शायद। मैंने और एक वीडियो देखा था जिसमें सेम प्रॉब्लम था, उस भाई ने भी मेंशन नहीं किया ये फिनिशिंग के साथ खेलने के वक्त ये फील नहीं हो रहा है। और इसका पिंग काफ़ी लाजवाब है, ऑल्दो आई एम प्लेइंग विथ टेनिस बॉल, लेकिन प्लेइंग इज़ टू मच गुड। लेकिन इसका हैंडल उतने ही अच्छे से फिनिशिंग नहीं किया गया है। ये रिसेंटली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, फरवरी के महीने में किया गया है, लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम जो मेरे को देखने को मिला। लेकिन इसका पिंग काफ़ी अच्छी होने की वजह से मैंने इसको रिप्लेस नहीं किया था। और इसका जो वुड का क्वालिटी है, जो वो अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन इसका हैंडल का फिनिशिंग और कुछ दिक्कत मेरे को देखने को मिला।
तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा शायद, पता नहीं। इसका ग्रीप काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, कुछ लोग इसको ऑक्टोपस ग्रीप बोलते हैं, पता नहीं, लेकिन ये अभी भी अच्छी कंडीशन में है। 15-20 दिन खेलने के बाद मैंने इसको हटा दिया था कि ये चेक करने के लिए क्या ज़्यादा क्रैक, ज़्यादा बड़ा क्रैक डेवलप हो गया तो नहीं। तो देखने के बाद पता चला कि हाँ, क्रैक दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है। इसको मैं रिपेयरिंग करना चाहता हूँ। बैट का भी अच्छा है, लेकिन हैंडल उतना अच्छा नहीं लगा मेरे को। तो आप लोगों के साथ कुछ इस तरह प्रॉब्लम अगर देखने को मिल रहा है तो आप बैट को रिप्लेस करा दीजिए। हीगा का हैंडलिंग में सिर्फ इशू देखने को मिल रहा है शायद, लेकिन बैट का भी अच्छा बढ़िया है। आप चाहे तो खरीद सकते हैं, अगर आपको कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं मिला तो आप उसको रख सकते हैं, अगर मिला है तो रिप्लेस करा सकते हैं। ये था मेरा कुछ ओपिनियन हीगा HX509 के बैट के रिलेटेड। मेरा वॉइस उतना अच्छा नहीं है तो आप लोग माफ़ कर सकते हैं।